चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां इलाहाबाद उपचुनाव में काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी थी, दो राउंड पूरे हो चुके हैं। हम आपको बता देते हैं कि पहले और दूसरे राउंड में अभय सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं, वहीं अभय सिंह चौटाला के बाद गोविंद कांडा और तीसरे नंबर पर पवन बेनीवाल पीछे चल रहे हैं। दूसरे राउंड के बाद 2270 वोटों से अभय सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कि अब तक कुल 16,446 वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। दूसरे राउंड के बाद भी अभय सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड के बाद गोविंद कांडा को 4,645 वोट मिले हैं, तो वहीं दूसरे राउंड के बाद अभय सिंह चौटाला को 6,915 वोट मिले हैं। दूसरे राउंड के बाद पवन बेनीवाल को 4,174 वोट मिले हैं। दूसरे राउंड में बीजेपी को 1718 और इंडियन नेशनल लोकदल को 3,510 वोट मिले हैं। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पवन बेनीवाल को 2,149 वोट मिले हैं। दूसरे राउंड की बात करें तो पवन बेनीवाल को बीजेपी से हालांकि 400 के लगभग वोट ज्यादा मिले हैं। वहीं पहले राउंड में गोविंद कांडा को पवन बेनीवाल से आगे वोट यानी ज्यादा वोट मिले थे और इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रत्याशी थे अभय सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं पहले और दूसरे राउंड में। बने रहिएगा चैनल के साथ। अब तक कुल 16,446 वोटों की गिनती हुई है, दो राउंड अभी तक पूरे हुए हैं। तीसरे राउंड की वोटिंग यानी काउंटिंग पूरी होते ही हम आपको बता देंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा।